सांसद देलकर ने न्याय अपावानी लड़त हवे उग्र बनी रही होवानु शनिवारे सेलवासना इंदिरा नगर में बनेली घटना उपरथी जणाई आवे छे। पुतळा दहन कार्यक्रम ने पोलीसे रोकवाना प्रयास में पोलीस अने कार्यकरो सामसामे आवी जता घर्षण की स्थिति उद्भवी हती। एसडीपीओ ए एक कार्यकर पर हुमलो करता मामलो गरमायो हतो। आखरे कार्यकरो नु टोळुं सेलवास पोलीस स्टेशने पहोंचीने घेराव कर्यो हतो। पुतळा दहन समये पोलीस टीम रोकवा जता पोलीस मामलो बिचकायो हतो। थोड़ा दिवस अगाउ दाना एसपी महेश्वर स्वामी चूंटायेला केटलाक प्रतिनिधिओ साथे बैठक करी हती, जेमां नक्की करायुं हतुं के तमाम प्रदर्शनी शांतिपूर्वक कराशे, साधारण जनता ने कोई तकलीफ नो सामनो नहीं करवो पड़े। शनिवारे रात्रे लगभग 8-9 वाग्याना वच्चे सेलवासना इंदिरानगर खाते श्रद्धांजलिनो कार्यक्रम रखायो हतो। ए दरमियान उपस्थित लोकोए इंदिरानगर खाते आवेली नॉनवेज मार्केट नजीक पुतळा दहन करवा जता मामलो बिचकायो हतो, जेने लईने एसडीपीओए उग्र बनेला लोको साथे झपाझपी थई हती। त्यारबाद टोळाએ एसडीपीओ सिद्धार्थ જૈનનો ઘેરાવ કર્યો હતો। ઉગ્ર બનેલા લોકોએ મોડી રાત સુધી પોલીસ હેડક્વાર્ટર પર ઘેરાવ કર્યો હતો, જો કે પંચાયત માર્કેટ ફારને લઈને અતિ સેન્સિટિવ ગણાય છે। અહીં સેંકડો નાની મોટી દુકાનો આવેલી છે। આગની ઘટના ન બને એ આશયથી પોલીસે પુતળા દહનને અટકાવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે। બીજી તરફ મોહન દિલકરના અપઘાત કેસમાં 40થી વધુ દિવસ વીતી જવા છતાં પણ સરકાર દ્વારા કથિત આરોપીને તેમના હોદ્દા ઉપરથી દૂર ન કરાતા ડેલકરના સમર્થકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે। ડેલકરના ન્યાય અપાવવા માટે સમાંતરે સમર્થકો દેખાવ કરી રહ્યા છે। એક તરફ સાંસદ મોહન ડેલકરના સમર્થકો જેમના મુંબઈ પોલીસને એફઆઈઆરમાં નામો છે એવા અધિકારી અને કર્મચારીને તાત્કાલિક હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે। બીજી તરફ સેલવાસના કલેક્ટર કેટલાક મુદ્દાને લઈને મુંબઈ હાઈકોર્ટમાં એફઆઈઆર રદ કરવા માટે અરજી કરી છે। આ કેસમાં સેલવાસના કલેક્ટર સંદીપકુમાર સિંહને 9 એપ્રિલ સુધીની રાહત મળી છે અને કોર્ટે યથાવત સ્થિતિ જાળવી રાખવાનો આદેશ કર્યો છે। આ બધા વચ્ચે હવે 9 એપ્રિલના રોજ હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થાય બાદ ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય તેવી શક્યતાઓ છે। तभी जाके उसने हेलमेट पानी डाला, पानी नहीं कैरोसिन डाला तो बोला पानी डाल रहे करके, ऐसे करके पूरा पानी डाले, पूरा गिल्ला है जींस, ये कपड़ा भी मेरा पूरा गिल्ला है। उसके बाद उसने हेलमेट से मुझे मारा। हेलमेट से मारने के बाद जब मैंने उसको वो धक्का मारा तो बोल रहे कि नहीं लग गया करके वो पीछे ऐसे बोल के वो निकल गए। हाँ मैं पहचानती हूँ, वीडियो भी है और मैंने उसको कुछ भी नहीं किया था, जस्ट मैं उसके सामने से गई और हम लोग पुतला ही जला रहे थे, हम कोई जिंदा इंसान को तो जला नहीं रहे थे, हम लोग अच्छे से लेके आ रहे थे, लोग सब लोग टूट पड़े जैसे कि हम लोग कोई असली इंसान को मुर्दे को मुर्दे को लाके जला रहे, वैसे करके लोग ने आज जिसको पकड़ने का है, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनका हम लोग उसमें सम्मान करते थे, उनको बोलते थे कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, आप लोग घबराइए मत, बराबर कि नहीं। जो बाहर से पुलिस आई थी हमारा हर मीटिंग में आप देखिए हम लोग उनके लिए अच्छा ही शब्द बोलते हैं। अच्छा। आज के मीटिंग में भी हमने कहा कि ये हमने हमसे बात करते हैं, हम कहते हैं हम आप प्रोटेक्शन के लिए आप लोग चिंता मत, आप प्रोटेस्ट कीजिए,
और उनमें से एक आदमी आके एक महिला के सर के ऊपर हेलमेट से वार करता है। हेलमेट से वार किया। दीपिका एक मिनट वो उसमें से एक आदमी आके आज जितने जवान ब्लू वर्दी में खड़े ना उनको शर्मसार कर दिया उस व्यक्ति ने। आज वो अपनी आंखों से गिर चुके हैं, झुक चुके हैं। यही संविधान कसम लेके आए थे ना, यही संविधान कसम लेके आए थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आप रक्षा कीजिए, नो डाउट। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, रोकना आपका अधिकार है, लेकिन मारना अधिकार नहीं है। वो भी एक महीना से आंदोलन कर रहा, हम लोगों को मुद्दा हुआ एक महीना से। वो भी आ जाके इन लोग ने कर दिया। वो भी एक महिला को आप कल्पना कर सकते हैं क्या, किसी महिला को प्रोटेस्ट कर रही है आप उसके सर पे हेलमेट से वार करेंगे, आप वो लड़के के ऊपर उस महिला के ऊपर बाल्टी से वार करेंगे, आप केरोसिन डाल के एक मिनट पानी डाला है, केरोसिन का स्मेल है। इधर भी इसने ऐसे करके चिमटी मारा, कमर में मारा और लात भी मारा है। और केरोसिन डालने के बाद क्या बोलते हैं, अरे वो पानी था, उनको पता नहीं था कि इसमें केरोसिन, क्योंकि वहाँ पे चिकन मुर्गी की दुकान है, वहाँ पे लकड़े जलाने के लिए केरोसिन का उपयोग किया जाता है। आज वो मैडम ने, दीपिका भगत ने, उनको एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या डाला, तो उसके अंदर केरोसिन था। और आप स्मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर तीन लोगों के ऊपर उनका केरोसिन डाला हुआ है, तीन लोगों के ऊपर। आज मैं पूछता रहता हूँ, ये ब्लू वर्दी में खड़े ना, आप अपने मन से बताइए कि वो व्यक्ति ने गलत किया कि सही किया। आज इस व्यक्ति की वजह से आप लोग की रेपुटेशन फोर बदनाम हो गई कि आप लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप महिलाओं के ऊपर हेलमेट से वार करते हैं, ये चलेगा क्या? लोकतंत्र के अंदर नहीं चलेगा। लोकतंत्र के अंदर लोग बड़े होते हैं, तंत्र बड़ा नहीं होता। हम लोग 70 दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सलूट करना चाहता हूँ हमारे सीली के जो इंचार्ज थे सोनू दुबे जी, मैं रिस्पेक्ट से करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतनी बड़ी गैदरिंग हुई, उस बंदे ने पूरा मैनेज किया, हाथ नहीं किसी के ऊपर उठाया। आज ये छोटी सी बस्ती इंदिरा नगर, कितना बस्ती था, ज्यादा लोग भी नहीं थे, 300 लोग थे। 300 लोग में कोई आदमी प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई पुतला दहन करना, हमने पुतला जलाने का प्लान नहीं, हमारा पुतला लहराने का प्लान था, लेकिन उन्होंने रोका। आज सोचिए वो SDPO पहली बार किसी प्रोटेस्ट के नाराज था, उसने ऑर्डर दिया मारो इन लोग को, मारो।